रन मशीन विराट कोहली के अद्भुत शतक और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के ऐतिहासिक 5 विकेट की बदौलत भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका पर धमाकेदार 243 रनों की जीत दर्ज की। इस जीत के साथ रोहित ब्रिगेड ने ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में प्रोटियास पर अपनी सबसे बड़ी 243 रनों के अंतर से जीत दर्ज की। इस मैच में प्रोटियास ने 50 ओवर के फॉर्मेट में अपना संयुक्त दूसरा सबसे कम स्कोर बनाया। साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को भारत में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी हार दी। साउथ अफ्रीका का ओडीआई में सबसे कम स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1993 में आया था, जब वह मात्र 69 रनों पर सिमट गई थी। इस मैच में विराट कोहली ने क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के शतकों के बराबरी कर ली है। कोहली ने अपना 35वां जन्मदिन सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड 49 ओडीआई शतकों की बराबरी कर मनाया। कोहली ने इसी स्थान यानी ईडन गार्डन पर 2009 में अपना पहला ओडीआई शतक भी लगाया था। साथ ही किंग कोहली अपने जन्मदिन पर शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तेंदुलकर, विनोद कांबली, सनत जयसूर्य, रॉस टेलर और मिचेल मार्श के साथ शामिल हो गए हैं। इसके अलावा प्रोटियास तेज गेंदबाज माको यानसन ने अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। दरअसल माको यानसन विश्व कप मैच में किसी दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा 94 रन देने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साथ ही गेंद से भारत के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए जडेजा ने ऐतिहासिक 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया। इसी के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले जडेजा पहले भारतीय बॉलर बने। जडेजा के इसी शानदार स्पेल की बदौलत यह ओडीआई वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हुआ जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी करते हुए किसी पारी में एक भी छक्का लगाने में नाकाम रहा। ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबागर न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।